बांधने का जब प्रयास कर रही थी तो वो रस्सी लेके आई और रस्सी से कृष्ण को बांधा, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। और रस्सी छोटी पड़ रही थी, फिर से और रस्सी लेके आई। बहुत सारी गोपियां भी थी, वो सबसे बोल रही थी लेके आओ रस्सी, और रस्सी लेके आओ। तो पूरे घर से सारी रस्सियां मंगवाई और कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हमेशा रस्सी छोटी पड़ रही थी। टू फिंगर्स शॉर्ट, दो उंगल छोटी पड़ रही थी। केवल इसी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस तरह हम अगर कोई कार्य करते हैं, एक बार हमने काम किया हम असफल हो गए, दूसरी बार फिर प्रयास किया फिर असफल हुए, तीसरी बार प्रयास किया असफल हुए, तो जितना अटेम्प्ट देते जाएंगे, जितनी बार हमारे पास फेलियर आएगी, उतना क्या होता है, हमारा उत्साह डाउन हो जाता है, हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। अरे एक बार किया फिर फेल हो गया, दूसरी बार किया फिर फेल हो गया, तीसरी बार किया फिर फेल हो गया, तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है और हम मैक्सिमम लोग काम को छोड़ देते हैं। अरे नहीं होगा, छोड़ दो, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यशोदा मैया का मोटिवेशन कम नहीं हुआ। उन्होंने एक बार प्रयास किया, रस्सी छोटी पड़ी, दूसरी बार प्रयास किया फिर से रस्सी छोटी पड़ी, तीसरी बार प्रयास किया, उन्होंने प्रयास छोड़ा ही नहीं। घर की सारी रस्सी मंगवाई, आसपास से रस्सी मंगवाई, गौशाला से रस्सी मंगवाई, जहां जितना हो सकता है हर प्रकार से परिश्रम किया। तो परिश्रम शब्द का एक अर्थ आता है परि और श्रम, दो शब्द से हम कहें। परि शब्द मतलब होता है ना परिधि, परि राज्य का चार, मतलब हर तरीके से, ऑल एस्पेक्ट, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। तो हर तरीके से यशोदा मैया ने श्रम किया, मेहनत करी, प्रयास की। तो जब हम हमारा 100% दे देते हैं इस तरह मेहनत करने में और श्रम करने में, हर तरीके से जब हम प्रयास करते हैं, तो भगवान तो प्रयास देख रहे हैं, उसके बाद भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान यशोदा का परिश्रम देखना चाहते हैं कि कितनी कितना परिश्रम करना चाहती है। तो यशोदा बहुत मेहनत कर रही थी और इस मेहनत में वो थकान भी थी, तो बहुत सारे, एक तो फेलियर मिल रहा था और दूसरा फैटिक बोल सकते हैं, थकान, क्योंकि इतना काम करेंगे तो आसान नहीं, एक बार किया फिर किया फिर किया, थक जाएंगे। तो थकान भी थी, असफलता मिल रही थी, और जो आसपास, वो जब इस तरह कार्य कर रही थी तो बहुत सारी आसपास की गोपियां आ गई थी, वो देख रही थी उनको, और वो फिर बोल रही थी अरे छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, ये नहीं बन पाएगा, नहीं बांध पाओगी। तो इस तरह क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे, लेकिन यशोदा मैया ने गिव अप नहीं किया, नहीं करना ही है। तो ये सब अगर हमारी लाइफ में आता है, फेलियर आ रहा है, फैटिक आ रहा है, हम थक गए हैं किसी काम को करने में, सफल नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं अरे छोड़ दो, नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा सब अगर हमारे लाइफ में होता है तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अरे एक दो बार में ही हम छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा, ये कुछ लोग बोलेंगे तो हम लोगों से सुन के हमारा माइंड चेंज हो जाता है, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन यशोदा मैया के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लगी रही कि नहीं करना ही है, और उनका डिटर्मिनेशन भी बहुत था, एक दृढ़ निश्चय होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस तरह थकान आती है और कुछ लोग बोलते हैं, फेलियर मिल रहा है, तो हमारा डिटर्मिनेशन बहुत नीचे चले जाता है। पहले तो शुरुआत में बहुत हाई रहता है, लेकिन इस तरह जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो धीरे धीरे डाउन 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 डाउन, एक समय हो जाता है हम छोड़ देते हैं उस काम को, नहीं हो पाएगा। लेकिन डिटर्मिनेशन को बनाए रखना बहुत कठिन है। यशोदा मैया ने वो डिटर्मिनेशन बनाए रखा और उसको बढ़ाया और